अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शबे कद्र की नमाज का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट। दोस्तों, शबे कद्र वो मुकद्दस रात है, इस रात में अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, शबे कद्र की नमाज का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हम देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस नमाज की बरकत से अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की तमाम दुआओं कबूल फरमाए, तमाम हाजतों को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें, क्या पता किस भाई की जुबा से निकला आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाए और उसके सदके तमाम मुसलमानों की मगफिरत हो जाए। दोस्तों, ये नमाज आपको 12 रकात करके पढ़नी है। पढ़नी आपको दो दो रकात के साथ है, यानी दो रकात की नियत करें और दो रकात पर आप सलाम फेर लें। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने दो रकात नमाज शबे कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। इसके बाद सना पढ़ें, यानी सुबहाना पढ़ें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, एक बार सूरे अल कद्र पढ़ें और तीन बार सूरे इखलास पढ़ें। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह मुकम्मल करें, फिर अल्लाह अकबर के साथ दूसरे कद के लिए खड़े हो जाएं। दूसरे कद में आपको सना नहीं पढ़नी है, एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, एक बार सूरे अल कद्र पढ़ें और तीन बार सूरे इखलास पढ़ें। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह कम्प्लीट करें, फिर आप कायदे में बैठ जाएँ। कायदे में आपको एक बार अतियात पढ़ना है, एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है, एक बार दुआएं मशरूआ पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज को कंप्लीट कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।